भारी बारिश से बाढ़ की आशंका, पुलिस ने यमुना पार खेतों में रह रहे 90 लोगों को किया रेस्क्यू। यूपी के सभी जिलों में अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। हरियाणा में बाढ़ की स्थिति देखते हुए मनोहर लाल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, साथ ही कांवड़ियों को दी ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत। उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, अब तक 18 लोगों की हुई मौत, चार धाम यात्रा के तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचली हुई तेज, अमित शाह से मुलाकात करेंगे अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी को मिल सकते हैं 4 मंत्री पद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने, सीएम के घर B2 निजामुद्दीन ईस्ट में शिफ्ट होंगे। UCC से मुसलमानों की तुलना में गैर मुसलमानों को ज्यादा नुकसान होगा, ओवैसी का बड़ा बयान। MP में विजय संकल्प अभियान शुरू करेगी BJP, अमित शाह की बैठक में हुआ फैसला। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को SC से बड़ा झटका, फिल्म न्याय द जस्टिस पर रोक लगाने से इनकार। टमाटरों की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर, 14 जुलाई से टमाटर की हो सकती है कम कीमत, केंद्र सरकार ने सुपर प्लान तैयार किया। मुंबई में ऑनलाइन खाना मंगवाना पड़ा महंगा, समोसा ऑर्डर करते समय शख्स ने गवाए 1.40 लाख रुपए, पुलिस मामले की जांच में तैनात। बंगाल में ISF समर्थकों और पुलिस कर्मियों के बीच जोरदार झड़प, मतगणना केंद्र के बाहर फेंके गए बम। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास मिले लाश के टुकड़े, एक लड़की का शव मिला, कई जगह बिखरे हुए है अंग के टुकड़े, पुलिस जांच कर रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने 50 से ज्यादा भेड़ों को रौंदा, 15 घायल, पशुपालन को बड़ा नुकसान। राजस्थान के भरतपुर में खतरनाक अपराधी को रोडवेज बस से ले जा रही थी पुलिस, टोल प्लाजा पर फायरिंग में मौत, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। बिहार में डांसर बनाने के बहाने नाबालिग साली को नेपाल बेचने जा रहा था जीजा, सेना ने बॉर्डर से दबोचा। प्राइवेट पार्ट में छुपाकर दुबई ले जा रहे थे 1 करोड़ से ज्यादा का सोना, लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। SDM ज्योति मौर्य के मामले में आशिक कमांडेंट मनीष दुबे पर गिरी गाज, सस्पेंड करने और विभागीय जांच का आदेश। मदरसे के पास धमाका, बारूद फटने से टूटी छत, 25 फीट दूर गिरा महिला का शव, उदयपुर वाटी में एक घर में रखा बारूद फटने से दहशत। बिकवाली से टूटा शेयर बाजार, सेंसेक्स 223 अंक लुढ़का का, निफ्टी 55 अंक टूट कर 19,384 पर बंद। आज सोने के दाम हुए कम, सोना 58,790 रुपए तोला तो वही चांदी 73,600 रुपए किलो। भारत में परफ्यूम के जरिए धमाका करने की साजिश कर रहे थे आतंकी, खुफिया एजेंसियों ने किया खुलासा। नाले के पानी से सब्जी धोता हुआ दिखा ठेले वाला, महाराष्ट्र के भिवंटी का पुराना वीडियो हुआ वायरल। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को अचानक मिली टीम इंडिया में जगह, चयनकर्ताओं ने दिया मौका। राजस्थान में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की गोली मारकर हुई हत्या, जयपुर से भरतपुर कोर्ट लेकर आ रही थी पुलिस।